अस्सलाम वालेकुम सब बर्ड लवर को मेरा सलाम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद फ्रॉम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन बाय हमाद। यार लवर चीटिंग के ये पार्ट टू बना रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने बताया तो फिशरी की साइज़ के ऊपर कौन सी चीटिंग हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी चीटिंग हो रही है यार, मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए लोगों को। अब ये सेकंड पार्ट में ही बना रहा हूँ ऑफलाइन यूविंग के ऊपर जो चीटिंग हो रही है। मैं मार्केट जाकर देख कर पता चल रहा है भाई लोग किस तरह चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूविंग तो बहुत बड़ा हाई आइटम पर आता है। लोग बगैर रिसर्च के अगर आप यूविंग खरीदोगे तो आपका तो नुकसान है ना भाई। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर दो, आप लोग इसके निशानियां बता दो, लोगों को तरीका बता रहा हूँ कैसे लोग चीटिंग कर रहे हैं। और यार आप लोग को चाहिए कि बोले आप लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग न्यू फैंसियर को, जैसे अगर आपके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, जिसके पास भी नॉलेज है, अगर हम लोग चीटर लोगों को नहीं ख़त्म करेंगे तो भाई न्यू फैंसियर ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं बता दूँ, जो नए पालने वाले वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसलिए ये तीन पार्ट बना रहा हूँ, सही है। पहला पार्ट में साइज़ के ऊपर है, दूसरा पार्ट ये क्या नाम है ऑफलाइन यूविंग के ऊपर है, और तीसरा मैं ये फिशरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्लू फिशर येलो फिशर इनके ऊपर मैं आपको पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल से वीडियो सुन लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में दोनों पार्ट एंड स्क्रीन में होंगे, पहला पार्ट पीछे होगा और दूसरा पार्ट आगे होगा, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, सही है, देख लीजिएगा। पहले स्टार्ट करते हैं यूविंग ऑफलाइन के ऊपर। भाई यूविंग ऑफलाइन के ऊपर पता क्या हो रहा है, अब ये एक पेयर देख रहे हैं माशाल्लाह कैसा खूबसूरत तरीन पेयर है। उसका मेल है ऑफलाइन, सही है, ग्रीन ऑफलाइन का है, और फीमेल इसकी है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। अब सही है, अब यूविंग में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये फिशरीज के ऊपर आया तो येलो आ रहा है, ग्रीन सीरीज पे येलो आ रहा होता है, और ब्लू सीरीज पे ग्रे आ रहा होता है, सिल्वर ग्रे आ रहा होता है। अच्छा पहले मैं ग्रीन के ऊपर ही आ जाऊँ। अब ग्रीन के ऊपर पता क्या कर रहा है, मैं ये एक और पेयर लगा रहा हूँ, ये वाला पेयर देखिए। अब इसका आप कमर की ऐसा देख रहे हैं वो कितना लाइट हुआ हुआ है, थोड़ा सा मतलब कमर का जो बीच का ऐसा थोड़ा सा लाइट हुआ हुआ है। अब लोग पता क्या कर रहे हैं, मार्केट जाके इसको मैं कहता केमिकल लगाए थे कुछ लगाया, जिससे होता नहीं कमर परों के रंग थोड़े से उड़ जाते हैं हल्के फुल्के। अब लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये लाइट वाला, एक बंदा तो ये लाइट वाले को कह रहा है यूविंग है, मैंने कहा ये यूविंग तो है नहीं। एक बंदा कर रहा था, थोड़ा सा था भी मुझे था वो बंदा, वो गांव वाला लगा रहा था, जो भी था उस बंदे ने क्या किया, उसने कुछ लगा के उसका कम कर दिया रंग। अब यूविंग की अलग ही पहचान, एक अलग ही मतलब पूरी जिस्म उसका एक अलग रंग होता है, उसका बाजू का रंग अलग होता है, बाजू का रंग डार्क होगा, पूरा जिस्म का रंग एक येलो हो जाएगा या एक ग्रे हो जाएगा, सही है ना। अब उसने क्या किया, सिर्फ कमर को दिखा के बोल दिया कि ये यूविंग है। भाई ये बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा देख कर पढ़ा ले, पढ़ के थोड़ा सा जाइए कि यूविंग ये होता है। अब वही ब्लू ऑफलाइन, अच्छा अब ये ब्लू ऑफलाइन की ये वाली पिक्चर देखिए आप लोग। अब इसमें आप बताएंगे या ये तो बोलेंगे हाँ ऑफलाइन और थोड़ा सा लग भी है यूविंग, भाई ये भी यूविंग नहीं है, ये ऑफलाइन है, बस ब्लू ऑफलाइन और कुछ नहीं। यूविंग ब्लू कलर में ग्रे हो जाता है, उसका जो पीठ का ऐसा ग्रे हो जाता है, थोड़ा जैसे में भी ग्रे शेड आ जाता है, डार्क ग्रे। अब ये पिक्चर भी देख लीजिए, इसमें भी आपको आ रहा है कि ग्रेइंग शेड आ रहा है, ये होता है ग्रीन ब्लू यूविंग ऑफलाइन। अब इसके ऊपर मार्केट में चीटिंग हो ही जा रही है। अब लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं ऑफलाइन डाल देते हैं, सही ना, ऑफलाइन है, उसके कमर को थोड़ा सा लाइट कर देते किसी भी तरीके से, रंग वंग लगा वगा के उसको कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि उसको बोल कर भेज दे रहे हैं ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, इसके ऊपर बहुत बड़ा चीटिंग हो रहा है। और सेकेंड में ये और इसके ऊपर भी एक हो रहा है, ये भी मुझे बता देना है शुरुआत में, ऑफलाइन के ऊपर भी हो रहा है। अब ये ऑफलाइन का स्प्रेट है, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है। अब पता है कि एक ग्रीन फिशरी होती है नॉर्मली, हमारे पास फिशर के पेड़ से एक ग्रीन फिशरी नहीं निकलती है, हल्का येलो कलर की निकलती है, उसका हेड वेड थोड़ा सा वो सा ऑरेंज ही होता है मतलब, और मगर वो ऑफलाइन नहीं होती, वो ग्रीन फिशरी ही कहलाती है, सही है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी ऑफलाइन बोल कर बेच रहे हैं, और जिनके पास नॉलेज नहीं है और जिनको सस्ते के चक्कर में बोले, यार एक नॉर्मल सी बात है, ग्रीन ऑफलाइन अभी के टाइम पे 15 से 15 हज़ार रुपये का बिक रहा है, सही है ना, नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी का, सही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वही ऑफलाइन, जो ऑफलाइन तो नहीं ग्रीन फिशरी को वो लोग क्या कहते हैं मार्केट में बोल के बेच रहे हैं, भाई ये ऑफलाइन है, अगर आपको चाहिए मैं सस्ते में बेच रहा, मजबूरी है, ये है वो है, एकदम 10-12 चीज़ें लगा हुआ के बोलते आप ले जाओ 2,000 रुपये। जो फिशरी 1,000 रुपये की नहीं है वो उसको 2,000-3,000 रुपये में बेच दे रहा है। स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों को तो बेवकूफ़ बना दिए, तो 5-5 हज़ार रुपये में बेच देता है, वही वाली बात है, मिठुओं में इतनी चीटिंग हो रही है तो ये क्या चीज़ है, तो और इनसे छोटी चीज़ें अगर इनमें ज़्यादा बड़ी चीटिंग हो रही है, क्योंकि क्या हो गया, थोड़ी सी इनकी प्रमोशन सही मानों में ज़्यादा हो चुकी है, और लोग 80% अक्सर से ज़्यादा लोग ना लब्बड़ फैमिली पर आ रहे हैं, और अभी अल्लाह ना करे अगर लब्बड़ फैमिली के रेट गिरेंगे तो उन लोग का क्या होगा जिन लोगों ने बहुत शिद्दत पर लगा दिए। जैसे यार मैं सैटर विजिट देख रहा होता हूँ, कितने लगा दिए जोड़े एल्बिनो रेड आए के, 100 जोड़े लगा दिए भाई, ब्रीडिंग आएगी, मार्केट कहाँ है, खरीदने वाले भी तो देखो, एक्सपोर्ट का आइटम देखो, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आइटम पे आप लोग जोर दिए, सही है। ये साइड टॉपिक हो गया था, ग्रीन फिशरी पे ये हो रहा है, सही है ना।
अब इसी पर आ जा रहे हैं ब्लू फिशरी पे। अब जब हम लोग ब्लू फिशरी को भी हल्का फुल्का सा ब्रीडिंग करवा देते हैं, उन पर कई बार होता है कि मार्किंग ना हल्की सी लाइट हो जाती है। वो ग्रीन फिशरी पालने वाले लोगों को पता है, सही ना, कि कई बार होता है कि मोल्टिंग के टाइम पे, सही है, या तो मोल्टिंग के बाद ही कई बार हल्का हल्का मार्किंग लाइट हो जाती है। और असल में ब्लू अपलाइन पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि ब्लू अपलाइन की ना मार्किंग, हेड की मार्किंग हल्की सी डर्टी रहती है। बहुत हाई क्वालिटी का जाके या बहुत अच्छी ब्रीडिंग करवा के बहुत अच्छी तरीके से करके ना ब्लू अपलाइन क्या नाम है क्लियर हेड पर आता है, वरना हल्की उनकी डटी रह जाती है। मैंने इस ऑफलाइन के ऊपर भी एक सेपरेट टॉपिक बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और मैं इसका एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखिए कि यार ब्लू ऑफलाइन की क्या पहचान है। ब्लू ऑफलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, व्यूविंग में देख कर दिल रो रहा है यार, कि ऊपर से यार मेरी सबसे बड़ी गुस्सा इस बात पर आ रहा है जो लोग बेच रहे हैं, जो 50,000 का ऑफलाइन बेच रहे हैं, अल्लाह के बंदे कर तुम देख रहे हो कि वो बच्चा बंदा चीटिंग कर रहा है, बस हमें यार तुम क्यों नहीं बोलते हो। मैंने बोला यार छोड़ दो करने का मजा, हंस रहा है, कह रहा कौन खरीदेगा। अबे भाई जो नए फैंसियर हैं वो खरीद लेते हैं जाके, और वो बोलते यार ऑफलाइन नहीं है, वो चीटिंग है, घर से छोड़ के चले जाते हैं कि यार चीटिंग होती है, फ्रॉड है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें बोल बाल के छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को उठना पड़ेगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा भाई अगर मार्केट में कोई बंदा गलत बेच रहा है तो आप बोलो, सही है ना। ऑफलाइन की मैं पहचान बता दूँ, डोम के ऊपर स्टैंप नहीं होता। देखिए नॉर्मली एक होता है फिशर फैमिली पे ब्लू के दुम के ऊपर पर्पल आ जाता है, ब्लू फैमिली में अलग स्टैम्प, इस टाइम क्या होता है कि दुम के ऊपर ना एक कोई रंग आ जाता है, पर्पल रंग होता है ग्रीन फिशरीज में ना। ऑफलाइन फैमिलीज में क्या होता है, वो पर्पल रंग सबसे पहले हट जाता है, सही है ना। उसके बाद क्या होता है, उसकी दुम पे एक रंग होता है, जैसे ऑरेंज हुड का या रेड हुड का ऑफलाइन होगा तो उसकी दुम पे रेड हुड या ऑरेंज हुड का सिर्फ एक रंग होगा। जो ग्रीन फिशरीज जो आती है, जो फिशर में से थोड़ा बहुत निकलती है, उनमें कभी बार होता है कि स्टैम्प भी गायब हो जाता है, मगर क्या उनके दुम बता देती है कि तीन रंग की दुम होती है, ब्लू ग्रीन येलो, सही है ना, ये तीन रंग की, ये बता देते फिशरी है। वो किस्मत से किसी का स्टैम्प फट जाता है, मैं स्टैम्प इसलिए कहता हूँ यार एक मोहर टाइप ही लगता है उनकी दुम के ऊपर जाके, तभी मैं उसको शॉर्ट फॉर्म पर स्टैम्प कहता हूँ। अब सामने आपके ऑफलाइन की पिक्चर चली रही है, अब इन पर देखो ना इनकी दुम पे स्टैम्प टाइप नहीं है, सही है। और ऑफलाइन का क्या होता है, डार्क डोमिनेंट रंग होता है, ये भी आप लोग देखा करें, डोमिनेंट रंग होता है, लाइट रंग नहीं होता, उनका हर पर एक अलग ही अपना रंग शो कर रहा होता है, वही एक पहचान है आपकी ऑफलाइन की। और यूविंग की क्या पहचान है, कि यूविंग का सिर्फ बाजू का रंग अलग होगा, बाकी पूरे जिस्म का रंग अलग होगा। बाजू अगर ग्रीन है तो पूरा जिस्म उसका येलो है, अगर बाजू उसका ब्लू है तो उसका जिस्म पूरा ग्रे है, सही है ना। ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं रख रहे ना तो न्यू फैंसियर खराब हो जाएंगे। मैं एक्चुअली न्यू फैंसी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ यार, मैं मार्केट जाकर देख रहा हूँ लोग का दिल टूट जा रहा है, लोग परिंदा पालना छोड़ ले, और लोग परिंदा पालना छोड़ेंगे तो भाई कौन खरीदने वाला है आप लोगों का, तभी इसके ऊपर टॉपिक बनाना, सही है। वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह लाइक कर दिएगा, बाकी मेरे से अल्लाह हाफ़िज़। बाकी हाँ, मैं ब्लू फिशीज़ के ऊपर नेक्स्ट पार्ट होगा, वो भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, सही है ना। बाकी इसके दोनों पार्ट्स मैंने एंड स्क्रीन में रख दिया, आप लोग आराम से देख लीजिए, सही है, मेरे से अल्लाह हाफ़िज़।